है खास हर अंदाज। इस संटी से आप दो मिनट में गुजराती सीख जाएंगे भैया। सक्सेना जी प्रैक्टिस कराओ, यहाँ बकवास मत पेलो। मजा मत छे, मजा मत छे नहीं, मजा मत छू। તમે સુ સુ કરો છો? બેન શું બોલે છે? નહીં દીદી કહે રહી હૈ આપ લોગોં કો અગર ફ્રેશ ફ્રેશ હોના હો તો હું પુત્રનો પપ્પા છું, શેન શાહ। તમને મળીને બહુ ખુશી થઈ શહેનશાહ ભાઈ। શહેનશાહ ભાઈ, તમને મળીને બહુ ખુશી થઈ શહેનશાહ ભાઈ। અને મેં પોતાની બા વાજિદ અલી શાહ। હા વાજિદ અલી શાહ થોડી નામ હોય, અગર ઇનકા નામ શહેનશાહ હો સકતા હૈ તો મેરા નામ વાજિદ અલી શાહ ક્યો નહીં હો સકતા હૈ? લેકિન આપને વાજિદ અલી શાહ નામ ક્યો રખા? ક્યોંકિ મેરી બાનુ નામ નસીરુદ્દીન શાહ છે। મેને તો ના ઠાન લી હૈ इस घर से रिश्ता करके ही रहूंगी। हेतल का ना सही, मेरा ही सही। क्यों शहनशाह? पंडित जी शू लागे छे? अभी दादाजी भी हाजर छे ने बा बापूजी भी हाजर छे, मने पण काई आपत्ति नथी छे। करो कंकुना। मैं अन्य कसम खा के कहता हूँ कि मेरी कबर में बैग नहीं है। कोई ले गया वो काला बैग मेरी कबर से निकाल के। पान खाए पैया हमारो सौली सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे खींच लाल लाल हमने सारे गंदे काम छोड़ दिए हैं। वो सब तो ठीक है बेटे, लेकिन हमें ये सब बताने कहाँ आए हो? जब से हमने अच्छा काम करना शुरू करा हुआ है ना, तब से हमें ना भूखे मर रहे हैं भैया। आज जब तक हम जिंदा हैं और आप लोगों का कछु काम ना ही लग जाता है, सुबह शाम यहाँ आइए, हम आपको खाना खिलाएंगे। हाँ तो मैं चाहे बुरू लगे चाहे भलू, अगर शाम तक वो कालू बैग ना मिलू ना 5 लाख रुपये से भरू बहु खून पी जाए तो मैं सारे अरेस्ट कर ले। तो मैं ये बैग दरअसल भभूति जी ने नहीं हमने चुराया है। हमने करी यू आर अंडर अरेस्ट। ना ही दारोगा जी उनको ना ही पकड़िए, हम बोले ना कि ये बैग हम चुराए, हम चुराए। नहीं भाभी जी, ये बैग मैंने चुराया, मैंने चुराया, मैंने चुराया ये बैग। आप चुराए? हाँ तो उनको अरेस्ट कर लीजिए। भाभी अंगूरी वो अरेस्ट होते हुए सही पकड़े हैं, पकड़ लीजिए। जो बाथरूम में हमरा और आपका कपड़ा गला हुआ है वो आप धो देगा? अभी नहीं धोए। ठीक बात है, धो दीजिए। हाँ ठीक है, धो देंगे। और कपड़े धोने के बाद बाथरूम भी धो दीजिएगा। जाइए ना, हमको काहे देख रहे हैं? हमारे घर का काम करेंगे। मैं आपका नौकर हो रखा हूँ। हमारे नसीब भाभी जी के तो है, बीवी का नौकर हूँ, जमाने भर का नहीं। 150 दे देंगे। 2000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। यस और नो? नो। भाभी जी बहुत दिनों से आप भी कहीं बाहर नहीं गई हैं, और एक्चुअली अपना अनु भी बाहर गई हुई है, तो क्यों ना मैं आपको घूम। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप और मैं चलते हैं ना। क्या बोले? थोड़ा जोर से बोलिए ना, बहुत शोर है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैं जोर से बोलता हूँ, कहता आप और मैं चलते हैं।
भाभी जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। अंगूरी, ये टीटी कमल खान टिल्लू क्या कर रहे हैं किचन में? अरे ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमने भभूति जी को दिया था ना, फिर ये क्या कर रहे हैं वहां पर? हमको क्या पता। भभूति जी, भभूति जी, थोड़ा धीरे बोलिए ना। जी बोलिए। ये क्या मजाक है? किचन में काम करने के लिए हमने आपसे कहा था ना, फिर ये तीनों वहां क्या कर रहे हैं? किचन का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। तिवारी जी, काम डाउन, रिलैक्स, टेक इट इजी। ये लौंडे काम कर रहे हैं ना किचन में, ये हमारे मोहल्ले के लौंडे हैं और ये सब बेकार लौंडे हैं, मतलब इनके पास काम नहीं, बेरोजगार लौंडे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये पैसे कमा लेंगे, थोड़ा सा जेब खर्च मिल जाएगा, तो मैंने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, दैट्स इट। तो ठीक से काम करने के लिए कहिए ना, तोड़ फोड़ काहे मचा रखी है? मैं समझाऊंगा, जस्ट डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी, ओके? ठीक ठाक कीजिए, तब तक हम खोके शॉप से होके आते हैं। लौट के तो नहीं आएंगे ना? मैंने कहा लौट के आएंगे तो घर साफ मिलेगा एकदम। मिलना भी चाहिए जी। यार टीका, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो तू? सेठ जी की जो तिजोरी है ना, इसी कमरे में है, पीछे देख तो। और सेठ जी तिजोरी की चाबी कहाँ रखे हैं? जे भी मुझे मालूम है। सारे कहने का चाहते हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कमरे के साथ साथ। इलो भैया, ये प्रसाद खा लो। हाँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। ये आवाज तो हमको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आप तो भरभूति जी हैं, हाय दी भैया। एकदम सही फरमाया आपने। हम ना आश्रम खोले हैं, आप चलकर हमारे साथ वहीं रहिए। चलिए। अले टिके भैया, देखिए हमको ना एक तो गरीब आदमी और मिल गए हैं। अरे किस भिखारी को पकड़ लाई तुम यहाँ? ये कहाँ है भिखारी? ये तो भरभूति जी हैं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे, इन अब इंतजार की घड़ी खत्म। इसे पूरा यकीन हो गया इसकी शादी मैक्स के साथ ही होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा ना होने दूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो प्लीज ये मिर्च खा लो ना। तेरा ये पूर्ण अवतार ऐसे नहीं मानेगा, स्वयं तो डूबेगा साथ ही अपने ब्रिजवासियों को लेकर डूबे। तू चाहे जितनी योजनाएं बना ले, तेरी सभी योजनाओं को जलाकर भस्म कर दूंगा। कान्हा तथा कंस के मध्य चले आ रहे नियति निर्धारित युद्ध में कंस भेजता है अपने अग्निधारक असुर ज्वारासुर को, जो करेगा श्री कृष्ण की नौका को। का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम ये बात भूल रहे हो क्या? हमारी एक पोती जो है अग्नि उप पुलिस अफसर है, छोड़ेगी नहीं तुमको। छोड़ेगी तो तब ना, जब पकड़ेगी। हाँ अग्नि बिटिया, हम ना हमारा मोहल्ला के सहेली के साथ ना यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हैं। भूल जाओ ये परीक्षा, ये कुत्ते बिल्ली का खेल, और वापस कर दो हमें ये मंगल सूत्र और ये सिंदूर। तुम तो जूतों के लायक हो, तुम हमको जूते मारोगी? तुम्हारी इतनी वरामीर जी, किस अपराध में आपने देवी पिंगला और उनके पुत्र को बंदी बनाया? क्षमा करें महाराज, किंतु दो दिवस पूर्व जो उज्जैनी राज्य पर संकट आया था उसके दोषी ये दोनों हैं। महारानी पद्मिनी पर जो संकट आया था वो भी इन दोनों का षड्यंत्र था, क्योंकि महाराज काल भैरव पर जो दूध चढ़ाया गया था उसमें इन दोनों ने मदिरा मिलाई थी। राजन, अब देखना ये है कि अपनी माता समान भाभी और उसके पुत्र का न्याय कर पाता है अथवा नहीं। बाबा जी, मेरे को बात मान लेनी चाहिए। बाबा जी, आप तो जानते हैं मेरा नाम उर्वशी गाजीपुर। ताई, ताई, उर्वशी ने अपना कन्फेशन शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसी उर्वशी को अंदर बंद करने की? हटो।